फील्ड है जो मतलब मोस्टली लोगों के जहन में रहती है। एक तो आपकी टेक्निकल फील्ड है जिसमें आप इंजीनियरिंग करते हैं, या दूसरी फील्ड आपकी मेडिकल। जी बिल्कुल, अंजनी वीडियो रुक रहा है, अंजनी वीडियो रुक गया। तो दोस्तों, आईआईटी जाने का सपना सब लोग लेकर आते हैं, जा कुछ लोग पाते हैं और उनमें से कुछ लोग जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत मुश्किलों के बाद भी। तो ऐसे ही हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर अंजनी सिंह। ये हैं आईआईटी तिरुपति से और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। तो आपका मिस्टर अंजनी बावा गैंग पर स्वागत है। तो थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सब लोग जानना चाहते हैं मतलब कि एक आईआईटीयन कैसा था 12th के पहले, क्या उसने प्रिपरेशन के टाइम पे किया, क्या खाना खाता है, मतलब वो सोता था तो किस करवट सोता है ना, मम्मी देखती थी कि नहीं देखती थी, वो सुबह जाता था फ्रेश होने कि नहीं जाता था, उसका भी टाइम नोट करता था कि नहीं। मतलब हर इंसान को ना आईआईटी अगर जाना है तो आईआईटीयन के बारे में जानने की बड़ी इच्छा होती है। तो हम लोगों के अंदर बहुत वो थी कि जाने कैसे, कि आपने कैसे वहां पर पहुंचे, गर्लफ्रेंड्स थी कि नहीं थी। मतलब आज कोई जानना चाहता है पढ़ाई कैसे करी, कोई कहता है गर्लफ्रेंड को कैसे मैनेज किया आपने, कोई कहता है अच्छा ये बताइए आपका पैकेज कितना मिल गया, आपको पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आईआईटी में टैलेंट की कोई कद्र है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन सारे क्वेश्चंस की बम्बार्डिंग आज आप पर होने वाली है। आप तैयार हो जाइए इन सारे क्वेश्चंस के लिए अंजनी, मिस्टर जी अंजनी, सर। और हमारे जो व्यूअर्स थे उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको मतलब आपने शुरुआत कहाँ से करी थी, मन में ये सपना कैसे आया था कि आईआईटी जाना है। सर जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा रूरल बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे मोस्टली लोगों के जहन में दो ही बातें होती हैं, या तो वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर तो टेक्निकल फील्ड में, है ना। और टेक्निकल फील्ड में अगर आपको जाने, अगर किसी का इंटरेस्ट टेक्निकल फील्ड में है तो मुझे लगता है आईआईटी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो मैं मतलब वही बात हो गई कि हम गांव में हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, है ना। इंजीनियर को भी एक अलग रेस्पेक्ट मिलती है, डॉक्टर को एक अलग लेवल पे मिलती है। और मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि अंजनी यूपी में कानपुर के पास एक गांव से हैं, घर में 20 कमरे हैं, रहते कंबाइंड फैमिली में हैं। आप बिल्कुल दांतों की चमक से समझ में आ रहा होगा आपको, इनकी घर में 20 कमरे हैं, रहते कंबाइंड फैमिली में पढ़ने के लिए एक भी कमरा नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कंबाइंड फैमिली है, वैसा एनवायरनमेंट है, बट फादर की एक सोच थी। देखो हमेशा अपने साथ होती है कि एक फादर साहब की एक सोच थी कि मैं तो फार्मर रह गया, मैं किसान रह गया, मेरा बेटा कुछ आगे कर जाए। अंजनी के साथ ऐसे ही कुछ हुआ और ये मुझे अंजनी ने अभी ऑफलाइन थोड़ा सा बताया था तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। चलिए बढ़ते हैं आगे अंजनी के साथ। तो अंजनी, आप कैसे हम प्रिपेयर करें नीट के लिए, आपने कैसे प्रिपेयर किया JEE के लिए, कैसे हम प्रिपेयर करें? सर जो पहला स्टेप है किसी भी एग्जाम के, केवल नीट और आईआईटी जेई ही नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए जो पहला स्टेप है कि हमें अपने सिलेबस के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है तो आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं, बिल्कुल उसको बिल्कुल, थॉरली आप पढ़िए, ठीक है ना। और आप किसी चैप्टर को जब कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते जाइए, जिससे आपको उस चैप्टर की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। और इसके साथ ही अगर आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो उसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ फॉर्मूला शीट वगैरह बना लीजिए, जिससे आप उसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, जिससे आप उसमें कंफर्टेबल हो जाइए। मतलब ये जो और हम यही सबको बोलते हैं बार बार कि अपने खुद के हैंड रिटन नोट सब कुछ होते हैं, मतलब वही एक आईआईटीएन के लिए भी सब कुछ होते हैं। वो इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि आप मतलब उसको लिखते हैं तो आप उसको याद कर पाना आपके लिए आसान जी होता है, और अगर आप इस स्ट्रेटजी को हर चैप्टर में फॉलो करते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हाँ, मतलब लिखो, मतलब देखो पढ़ो, अपने हाथ अपने हिसाब से लिखो ताकि जब तुम दोबारा हैं। उनको देखो तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर विजन रहे कि हाँ यार ये मैंने देखा था, मेरा देखा हुआ लग रहा है। नहीं तो किताब खोलो तो यार ऐसा लगता है चक्कर आना शुरू हो गए। मतलब मैं भी आज कई बार ऐसा होता है कि हम चीजें देख रहे होते हैं, उसके बाद कोई नई किताब उठाकर देखते हैं तो वो कुछ अलग तरह से उसको डेरिवेशन करती है, तो ऐसा लगता है क्या ये पहले देखा था। मतलब सब कुछ दुनिया अपनी ऐसी हो जाती चीजें है। वही होती हैं, बस प्रेजेंटेशन बदल जाती है और इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
अच्छा ठीक है, तो ये तो रही प्रिपरेशन की बात कि भाई आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके रखना था, आपको नोट्स बनाने थे, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने थे, आपको प्रॉपर टाइम में रिवाइज करना था। आप कितने टाइम में रिवाइज करते थे सब ये जानना चाहते हैं, मतलब आप कैसे याद रखते हो इतने सारे फॉर्मूलाज को, सारे सब्जेक्ट हैं और इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, आप इन सबको मैनेज कैसे करते थे? सर जैसे आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर्स में अगर आपने नोट्स रखी है तो सपोज 50 पेजेस है, आपने उसको पढ़ा उसको समझा, कुछ बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं, आसान लगती हैं, कुछ चीजें आपको टफ लगती हैं, उसकी आपने सीट बना ली, उसको आपने दो तीन बार रिवाइज किया तो वो चीजें आपके आपके आप उसमें कंफर्टेबल हो गए, ठीक है ना। और अब फिर अगर आपने उसमें प्रैक्टिस भी कर ली तो आपको चीजें याद रहने लगी। अच्छा, आप इनको ये जो आप बोल रहे हो बार बार कि दो तीन बार देख लेते थे, आप ये कितने टाइम में देखते थे? मतलब जैसे कि आपने आज पढ़ा तो अब अगली बार आप उस टॉपिक को कितने टाइम बाद देखते थे? मोस्टली एक से दो वीक, आप उस चीज को अगर आप एक वीक में अगर दोबारा उसके बारे में सोचते भी हैं तो आपको सारे फॉर्मूले आपने कैसे लिखे हैं, कैसे हाईलाइट किए हैं, वो सारी चीजें आपके जहन में आ जाती हैं। मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि दो वीक के बाद आपको ये याद रखना है कि आपने जो पढ़ा था वो देखना है, मतलब ये भी एक बड़ा काम है। अब ये एक डिफरेंस दिख रहा है मुझे, ये मुझे एक डिफरेंस दिखा कि नॉर्मली लोग बोलते हैं दो वीक के बाद पढ़ना, मगर लोग पढ़ते नहीं है, और दोस्तों जो IIT पहुंच जाते हैं वो दो वीक के बाद पढ़ते हैं, अपने सामने ही बैठे हुए हैं एक, और वो बता रहे हैं ये कि वो रिवाइज करते थे एक से दो वीक के अंदर, क्योंकि दो तीन बार आप जब चीजें पढ़ते हैं तो फिर पक्का हो जाती हैं वो। अच्छा, मैंने कई बार सुना है कि जो मतलब IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ये लोग अपने आप को बहुत आइसोलेट टाइप कर लेते हैं, ऐसा होता है क्या? मतलब दुनिया से काट लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, लेकिन कोशिश हमें करना चाहिए कि कम से कम डिस्ट्रैक्शन हमारे पास हो, ठीक है ना। सोशल मीडिया से हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, थोड़ा सा उसको अवॉइड करें। अच्छा, एक चीज और मैंने ये भी सुना है कि मतलब उनके वॉशरूम में जाओ, उनके रूम में जाओ, आपको चिटें चिपकी रहती है, मतलब वो कर रहे होते हैं पॉटी मगर दिमाग होता है वो सामने वाली शीट पर, ऐसा होता है क्या? मतलब एक एक मिनट का यूज़? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता सर, ये एक मिथ है, लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होता होगा पर ऐसा है नहीं। अच्छा, मतलब नॉर्मली रहते हैं, मतलब वॉशरूम। अच्छा, एक चीज और ऐसी वॉशरूम से याद आया, क्या IIT के भी वॉशरूम्स में चीटिंग के लिए लोग फॉर्मूले लिख के चले जाते हैं ताकि पेपर टाइम में जब वापस आए तो फॉर्मूले देखने मिल जाए? मतलब नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में और बाकी जगह तो देखने मिलता है कि कोई गाइड आ जाती है, जैसे RGPV में शिवानी चलती है तो क्या होता है वॉशरूम में शिवानी मिलती है पेपर के टाइम में, ऐसा होता है क्या? IIT में भी चीटिंग होती है? IIT में सर ऐसा नहीं होता, एक्चुअली ज्यादातर केसेस में अगर आप स्टूडेंट से पूछिए तो वो यही बोलेंगे कि सर पढ़ाते हैं कुछ एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन और जो सवाल आता है वो बहुत घुमा के पता नहीं कैसे आ जाता है, ठीक है ना। ये तो हमने बहुत सुना है, ये हमने बहुत सुना है कि पढ़ाते कुछ है मतलब पूछते हैं, मतलब दिखाते हमें छिपकली है और पूछते डायनासोर है। ऐसा ही आप समझिए कि ऐसा ही माहौल होता है IIT में, तो आपके पास बुक्स हो या फॉर्मूले लिख कर रखें तो आपका कोई काम नहीं आने वाला है। एट द टाइम आपने क्या पढ़ा है, क्या समझा है, उसके बेसिस पे आप आंसर करते हैं और आपको उसके मार्क्स भी मिलते हैं। मतलब प्रोफेसर जो है वो बहुत कॉन्सेप्चुअली चलते हैं चीजों को लेके, और अगर आपने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी लिखा है तो मार्किंग होती है, ऐसा नहीं कि मतलब हमारे यहाँ पर अगर एक मेथड आता है टीचर को, अगर दूसरा मेथड से वो कर दे तो काट ही देते हैं पूरा, ऐसा नहीं होता वहाँ? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आप कॉपी देख के फिर टीचर से उससे प्रोफेसर से पूछ सकते हैं कि सर मेरा यहाँ पे मार्क्स क्यों कट हुए हैं या मैं अगली बार क्या कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता है? मतलब बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, ये बात तो हुई कि हम मतलब आप प्रिपरेशन कैसे करते थे, रिवाइज करते थे चीजों को। देखो दोस्तों, रिवाइज करने से ही सब चीजें होती हैं। बाबा जी बोले और एक अब IITian बोल रहा है आपसे, तो इस बात को समझो कि आपको रिवाइज करना है। ये बात तो हुई कि पहले आप प्रिपरेशन कैसे करते थे, रिवाइज कैसे करते थे। अच्छा, प्रेशर भी तो आता है, मतलब वो वाला प्रेशर नहीं, एग्जाम का प्रेशर, वो वाला प्रेशर तो बनता ही रहता है, और वो प्रेशर कैसे हैंडल किया आपने एग्जाम टाइम में? मतलब सर, सारे सब्जेक्ट हैं सर पे, एग्जाम सर पे खड़ा हुआ है, अब आप कैसे करने वाले हो? देखिए सर, जब आपके पास एक शॉर्ट नोट्स हो जाती है, बन जाती है, ठीक है ना, तो आप किसी चैप्टर को जो पहले आपने पहली बार पढ़ा था तो आपने उसमें 6-7 घंटे लगाए थे उसको कंप्लीट करने में, फिर उसने उसको आपने रिवाइज किया शॉर्ट नोट्स से तो आपको मोस्टली आधे घंटे में हो गए, ठीक है ना। बिल्कुल, इसको आपने 2-3 बार जब देखा तो चीजें आपके लिए आसान हो गई, और एक बार चीजें आसान होने लग गई आपको तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे भी हाई हो जाता है और फिर प्रेशर की कोई
गुंजाइश नहीं रहती कि आपको कोई प्रेशर हो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप यहाँ पर भी बोल रहे हो कि आपके पास अगर शॉर्ट नोट है तो आप रिवाइज करोगे, और एक बार रिवीजन होगा जब चीजें एक बार जल्दी जल्दी देख लोगे तो फिर पेपर में प्रेशर नहीं आएगा कि भाई मेरा तो जी रिवाइज हो रहा है बिल्कुल, जल्दी जल्दी। लोगों को प्रेशर इसलिए बनता है क्योंकि वो रिवाइज नहीं कर पाते, मतलब एक उनको उनके मन स्ट्रेटेजी। में कहीं ये, उनके दिमाग में कहीं ये बात रहती है कि अभी हमने, हमारा ये वाला पोर्शन छूटा हुआ है, ये वाला पोर्शन छूटा हुआ है। बहुत बढ़िया, पर लास्ट टाइम में हम सारी बुक्स को, सारी नोट्स को नहीं देख सकते, तो हमारे जो काम आती है वो हमारी फॉर्मूला शीट्स आती है, हमारे शॉर्ट नोट्स आती है, ठीक है ना, बहुत। यही हमारे काम मैं आती है। आपसे मतलब मैं अभी आपसे बात करते करते मुझे शॉर्ट नोट्स का जितना यूज समझ में आया उतना तो मैं समझाता था, बट अब जब IITN के मुंह से सुन रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है और ज्यादा इनका यूज। अब की बार बाबा गैंग पे मुझे ओके, शॉर्ट नोट्स भी देने पड़ेंगे, मतलब। अच्छा एक बात और एक्चुअली बताइए आप। सर, एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि जो हाँ शॉर्ट नोट्स होती हैं सर, वो ये स्टूडेंट्स खुद बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये आपके, अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए फिर वो किसी काम का नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, साइड में हाँ रख देंगे, ठीक है ना। अगर हाँ वो मतलब क्योंकि फिर से उनको वो पता है कि उनका, बुक वाले ही व्यू आ जाएगा उनके पास। बिल्कुल 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 गुड गुड, पॉइंट टू बी वो, नोटेड। तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी मतलब शॉर्ट नोट बनवाने हाँ, में, आप उनको बनवाऊंगा गाइड इन्हीं कीजिए कि से। आप जो है कौन कौन सी चीजों को आप ऐड कर सकते हैं, बाकी आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे तो वो उनके लिए उतनी हेल्पफुल नहीं ठीक होगी। है बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, आपने बोर्ड के टाइम पर कैसे बैलेंस किया था, मतलब बोर्ड को कैसे बैलेंस किया था आपने? बोर्ड एक्चुअली भी चल रहा सर, है, IIT भी चल रहा है साथ में, कैसे बैलेंस किया था? एक्चुअली लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि मतलब IIT का एग्जाम अलग है और बोर्ड का एग्जाम अलग है। एक्चुअली अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, ठीक है ना, तो आप दोनों ही एग्जाम को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप IIT JEE या नीट एग्जाम के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल, जो कि बोर्ड एग्जाम में रिक्वायर्ड होता है, वहाँ भी आपका काम बन जाता है। तो ठीक है इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से समझिए और उसके बेसिक्स को क्लियर रखिए। क्लियर क्लियर बात हो गई। तो फंडामेंटल्स ही सब, सारी जड़ें हैं, सारी चीजें फंडामेंटल से ही निकल कर आती हैं। वही बात आपने भी दोबारा हमारे सामने बोली, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या वहां पर टैलेंट, आप मतलब जिंदगी में टैलेंट ज्यादा मैटर करता है आप लोगों के लिए, IITians के लिए, या फिर कॉलेज, तो आपके लिए क्या मैटर करता है ज्यादा वहां पर, एक्चुअली और सर, वहां अगर अंदर आप, और कॉलेज के अंदर क्या मैटर करता है? मतलब वहां पर भी ऐसा होता है कि कोई रटने वाला होता है तो आगे निकल जाता है रट के, या टैलेंट जो कॉन्सेप्चुअल बंदा होता है, मतलब मेरा कहना ये, वहां चतुर चलता है या रेंचो चलता है? अगर आप रेंचो हैं तो आप हर जगह चल जाएंगे, चतुर का कह नहीं सकते कहाँ कहाँ चलेगा, देखिए ना। अगर आपने जो क्वेश्चंस पढ़ा है वो वही क्वेश्चन एग्जैक्टली आ गया तो चतुर चल जाएगा, बट हाँ अगर आप रेंचो हैं तो आपने चीजों को समझा हुआ है, आप चीजों को एनालाइज कर पाते हो, आप प्रॉब्लम जो दी गई उसको समझ पाते हो और फिर आप वहां पे परफॉर्म कर तो सकते हो। ये मैसेज मिस्टर अंजनी का सारे चतुर्स के लिए है कि अपने ऊपर भरोसा करो, रटने पे नहीं समझने पे, समझेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। चलिए एक बात तो ये हो गई। अच्छा एक बात और बताइए, क्या हमें मतलब जब हम IIT में जाते हैं तो कुछ ऐसा हुआ था आपकी लाइफ में IIT में जब आप अंदर एंट्री ली थी जो आप शेयर करना चाहते हो कि ऐसा तो कोई सोचता भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नया हो गया था मेरे साथ, ऐसा कुछ अनोखा जो दिमाग में है? एक्चुअली सर, जैसा हर IIT का सपना होता है कि हमें IIT में जाना है, IIT में एंटर करते हो तो इससे अद्भुत और कोई अनुभव था ही नहीं सर कि हम आज IIT में जा रहे हैं। वही हमारे लिए सबसे बेस्ट था, जो कि हाँ नया भी था और यूनिक भी। मतलब आपको कोई बीच में, अच्छा रैगिंग का क्या सीन है? वहाँ पे सर रैगिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है, झूठ बोल रहे आप हैं ये पब्लिक नहीं प्लेटफॉर्म पर सर, है इसीलिए झूठ बोल रहे हैं, नहीं पिटाई तो सर, नहीं IITs होगी? में रैगिंग नहीं होती है। मोस्टली जो है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर वार्डन अलॉट किया जाता है, उनकी प्रॉपर देख रेख होती है, उनको पूरा फैमिली फील दिया जाता है, ठीक है ना। इवन उनको क्या बोलते हैं, हर एग्जाम के बाद, चाहे उनका मिड सेमेस्टर एग्जाम हो या टेस्ट हो, उसके बाद उनको पार्टी दी जाती है, उनको DJ नाइट्स में बुलाया जाता है, वो ताकि उनका कोई प्रेशर उनके ऊपर ना आए। ये जो DJ तो नाइट उनको होती है ना, हमें लोगों यहीं पे घुसुम घुसुम होती है, बाबा जी का स्कोर था नहीं यार ये, अंजनी झूठ बोल रहा है मैं बता रहा हूं। नहीं सर, वहां पे आपको
मतलब हर तरीके से कंफर्टेबल रखने की कोशिश की जाती है, तो एज सच कोई रैगिंग का सीन नहीं आता। अच्छा आपने एक वर्ड और बोला डिस्ट्रैक्शन, मतलब आईआईटी के पहले आपकी गर्लफ्रेंड थी, जाने के पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, मम्मी जी सर बिल्कुल जी। पापा नहीं देख रहे हैं, आप बोल सकते हो नहीं, कि मैंने मैंने अच्छा मम्मी को भी इस जगह शेयर किया ये है। आपने बहुत अनोखी बात बता दी हमें, आपकी गर्लफ्रेंड पहले थी, लोगों नोट करने वाली बात है, नोट करिए इस बात को कि अंजनी सिंह की आईआईटी जाने के पहले गर्लफ्रेंड थी, ये डिस्ट्रैक्टेड थे, इसके बाद भी आईआईटी पहुंचे, क्या मैं सही बोल रहा हूं, आप डिस्ट्रैक्टेड थे? नहीं सर, ऐसा कोई डिस्ट्रेक्शन की बात नहीं है। अगर आप चीजों को समझते हैं, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, तो ये कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं है। ये एक तरीके से आपके हो सकता है आप लोग का कोई फ्यूचर प्लान हो जो मोटिवेशन का काम करे आपके लिए। बहुत फ्यूचरिस्टिक है भाई हमारे आईआईटीयन, तो एक पॉइंट और हमारे सामने निकल कर आया है कि आईआईटीयंस बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं, और मिस्टर अंजनी की एक गर्लफ्रेंड थी, मतलब है, और वो 11th 12th बल्कि 10th से उनके हाई स्कूल से उनके साथ में है जितना मुझे यस पता सर है, और हाई स्कूल से साथ में चलते चलते अंडरस्टैंडिंग इज द की इन रिलेशनशिप दोस्तों, और उस अंडरस्टैंडिंग ने अंजनी को आईआईटी पहुंचा दिया, और गर्लफ्रेंड के बारे में इन्हीं से पूछ लेते हैं कि कहाँ पहुंच गई हैं वो। सर, इसमें वो एक स्टूडेंट है ना, और काफी अच्छी स्टूडेंट है वो। अच्छा ज्यादा लीक नहीं करना चाह रहे हैं, घर वाले रिश्ता लेके ना पहुंच जाए, मेडिकल स्टूडेंट है, मतलब एमबीबीएस कर रही है, मतलब कि बिल्कुल सर एक इंजीनियर आईआईटी से है तो यहां से तो लाखों करोड़ों आने ही वाले हैं, दूसरी साइट से मतलब जिंदगी भर, अब मैम देखेंगी अपने फ्री क्लिनिक मेडिकल में, फैसिलिटीज। तो भाई दोनों तरफ से एंट्री ही एंट्री है अब तो इनका। अच्छा पैसे से याद आया कि सब बोलते हैं कि आईआईटी जाओ तो इतने लाख का पैकेज हो, उतने लाख का पैकेज हो, तो आईआईटी का मतलब क्या सिर्फ पैकेज है, हाई पैकेज, मतलब आईआईटी आ जाओ पैकेज ले जाओ ऐसा? नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप आईआईटी का ऐसा प्लेस है जहाँ पे अगर आपके पास टेक्निकल जानने के बारे में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे बेस्ट रिसर्च होती है, इनोवेशन की बातें होती हैं, और वहाँ पे कंट्री के ब्राइटेस्ट माइंड पढ़ते हैं, उनके बीच में रहते हुए आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, और उसके साथ साथ अगर आपको अच्छा पैकेज भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, सब जानना चाहते हैं कि आईआईटी में कोई ऐसी जगह होती है जहां डेट के लिए जाते हैं, मतलब पक्की जगह है कि यहाँ पे कपल मिलेगा ही मिलेगा, खोपचे जहां से वो निकल कर आते हैं, अलग अलग वीडियोस अलग अलग साइट पर कि आईआईटी होते तिरुपति हैं सर, है, ये आईआईटी बॉम्बे का होते हैं निकल सर, के आया, ये कांड यहाँ हो गया, ये कांड यहाँ हो गया, ऐसा कुछ होता है क्या? होते हैं सर, बट वो प्लेस को कपल से ढूंढ पाते हैं जनरली, वो जो सिंगल्स होते हैं नहीं ढूंढ पाते। अच्छा मतलब फिर भी कोई आइडिया तो होगा थोड़ा बहुत, मतलब इस जोन में पाए जाते हैं ऐसा कुछ होता होगा। सर अब जो कपल्स होते हैं वो जोन ढूंढ लेते हैं, जो सिंगल होते हैं वो बेचारे उस जोन का नाम रखते हैं कि फला जोन में यहाँ मिलते हैं और अच्छा जैसे आपने लाइक क्या दैट। नाम रखा था इस जोन का, जरा बताइए जरा, मतलब पब्लिकली बता सकते हैं अपन, बीप लगा देंगे, चिंता मत करो। एक्चुअली जो हमारी क्लासेस थी सर, ठीक है ना, वो क्लासेस रात के 8:30 तक ओपन रहती थी, तो वो क्लासेस हमारी सबसे बेस्ट प्लेस थी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो पढ़ के थक चुके होते थे वो पहले ही जा चुके होते थे, उसमें वही लोग रुकते थे जिनके पास और भी स्कोप होता था, ये तो क्लासेस हमारी बेस्ट और थी। भी स्कोप आप सब लोग समझ रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, मतलब आपको कौन सा हॉस्टल प्रेफर करोगे आप, मतलब जैसे कभी बाई चांस आप आईआईटी गए तो वहां पर बॉयज हॉस्टल अलग होते होंगे, गर्ल्स हॉस्टल अलग होते होंगे, या हाँ जी कोएड बिल्कुल। हॉस्टल्स भी होते हैं? नहीं सर, दोनों सेपरेट होते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में। अच्छा रात को अफरा तफरी करने तो निकलते होगे, बिल्कुल सर, उसके लिए आपको फुल छूट होती है, आप 11 बजे मतलब 12 बजे जब तक आप चाहें वो आप घूम सकते हैं, हाँ गर्ल्स बॉयज सब, वहां पे कोई ऐसा मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मतलब सब लोग अपनी हाँ आंखें मतलब चमकाने जाते ही हैं बाहर, बिल्कुल सर, ठीक है। आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो आप बाहर हाँ जाएंगे ही मतलब जाएंगे। थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बिल्कुल अच्छा लग रहा है, देख के आंखें थोड़ी हरियाली हो जाती है ना, बहुत ग्रीनरी होगी बिल्कुल वहां तो, बहुत ग्रीनरी होगी ना। बिल्कुल सर, आप नेचुरल पूछ रहे हैं या फिर नहीं, नेचुरल ग्रीनरी ग्रीनरी भी है और वैसे भी है जो आप पूछ रहे हैं।
मतलब मैं पता नहीं मैं ये मेरी बात को कहाँ ले जाना चाह रहा है, मैं तो नॉर्मल पूछ रहा नहीं, था। आपने जो इमेजिन किया सर वैसा एग्जैक्टली होता भी है, ऐसा कोई अलग नहीं है सर। अच्छा, एक बात और बात जाननी थी, क्योंकि आप बहुत गांव के मतलब थोड़े से ऐसे बैक एरिया से थे जहां पर इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं है, तो जब पहली बार कॉलेज गए वहां सब कुछ प्रोफेसर पै 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 इंग्लिश में चल रही है, बहुत धमाधम, अपने समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ऐसे निकलती होगी जैसे चट 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 चट, ऐसा लगता होगा कि गोलियां पड़ने वाली हैं चारों तरफ से। सर ये जो प्रॉब्लम है ज्यादा टाइम तक नहीं रहती है आपको, मतलब 1 वीक 2 वीक के बाद आप चीजों को सीरियस लेना शुरू कर देते हो। स्टार्टिंग में आप एक्सक्यूज दे सकते हो कि नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आपके दोस्त आपसे आगे जा रहे होते हैं तो आप कैसे ना कैसे करके आप उसका कोई ना कोई रास्ता मतलब निकाल ही लेते ये हो कि नहीं बहुत मुझे तुम समझ इंपॉर्टेंट में। बात है दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और वो ये है कि प्रॉब्लम सबको आती है, प्रॉब्लम अंजनी को भी आई थी, बट प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता आपको ढूंढना चाहिए। आप यहां पर देखो, यहां पर मोटिवेशन कैसे लिया अंजनी ने कि मेरे दोस्त आगे निकल रहे हैं तो मैं भी आगे जाऊं, ना कि मैं सुसाइड कर लूं। लोग करते हैं IIT में, उसका रीजन सिर्फ यही है कि वो लड़ने का सही तरीका नहीं ढूंढ पाते। अंजनी, कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे रहते रहते IIT में किसी ने सुसाइड किया हो, IIT तिरुपति में? मुझे लगता है सर ये बात इस बारे में बात करना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा, पर ऐसा है नहीं वहां पे। एक्चुअली होता क्या है कि जब बच्चे नए होते हैं, ठीक है ना, तो अचानक से सिलेबस जब स्टार्ट होता है तो चीजें थोड़ी रहती हैं, फिर चीजें बढ़ने लगती हैं तो प्रेशर बढ़ता है। बट वहां पे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जब तक वो चीजों को लेके कंफर्टेबल नहीं हो जाते हैं, तब तक उनका प्रॉपर केयर किया जाता है। और क्या बोलते हैं, प्रॉपर जैसा मैंने बोला, हॉस्टल में वार्डन्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो जो प्रॉपर रखते हैं कि देखते हैं कि कोई नहीं, बच्चा मैं मेरा अकेला कहना तो नहीं बैठा है। मेरा क्वेश्चन IITians के लिए नहीं है, मेरा क्वेश्चन IIT के अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है, उनके लोगों पर नहीं है, मेरा क्वेश्चन उन लोगों की विल पावर पर है कि जो लोग हैंडल नहीं कर पाते इस प्रेशर को, मतलब वो चाहकर भी आसपास से सपोर्ट नहीं लेना चाहते। और अगर अंजनी इस टॉपिक पर बोलना नहीं चाह रहा है, मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंसेस शायद इसने देख लिए होंगे जो कि याद करने में हमारे दिल को दुखाएंगे, तो नहीं करे बात। बट हाँ, मेरा हम सबका आपको मैसेज तो यही है कि चीजें होने के लिए होती हैं, छोड़ो मत उनको, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। सर आप अच्छा, किसी चीज को अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करने लगते हो तो चीजें आपके लिए ऑटोमेटिक आसान हो जाती हैं, तो आपको एक ऐसा हाँ ऐसा कोई प्रेशर रह नहीं जाता। अच्छा एक चीज और, मतलब इंग्लिश कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने जबरदस्ती हवा नहीं बना रखा है, एक लैंग्वेज है, जब आप जाते हो तो बोलना शुरू हो जाते हो। ये है यूपी से, मगर साउथ इंडियन इनको आने लग गई है ना, मतलब मुझसे ये कहते सही हैं कि सही मैं उनकी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बोल लेता था, तो अगर आप ये सोचें कि ये उस एरिया में जाके जब वहां की लोकल लैंग्वेज सीख सकता है, तो इंग्लिश क्या है यार, बचपन से ABCD सीख रहे हो, थोड़ा सा जोड़ भाड़ लो, समझ जाते हैं यार, सब ऐसा हो जाता है, ऐसा मुझे भी लगता एक्चुअली है। सर अच्छा वहाँ पे जो ये जो इंग्लिश का जो डर है वो कॉलेज के बाहर ही है। आप अंदर जाते हो तो आपको जो 10 लोग भी, अगर 10 लोग से मिलते हो तो 9 लोग उसमें इंग्लिश बोलते ही बोलते हैं, और आप उनसे किसी तरीके से इंटरेक्ट करते हो तो आप मोस्टली एक सीख या रहे दो हो वीक में आप, आप कंफर्टेबल हो। सीख रहे हो आप सीख रहे हो मतलब। अच्छा एक चीज और, हमारे सब व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आप आजकल देखो ऑनलाइन का टाइम आ गया है, मतलब लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनका रिव्यू कैसा है, तो आप क्या सोचते हो, मतलब ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में, अभी तो हमारे पास कोरोना के कारण कोई ऑप्शन नहीं है, बट ऑनलाइन क्लासेस क्या एट पार हो रही हैं आजकल, मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है कि हमको ऑफलाइन की जरूरत नहीं है, हम घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, हम सारी चीजें देखें सिर्फ ऑनलाइन वीडियो में देखें और हमारा काम हो जाए। एक्चुअली सर जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे टाइम पे तो सब कुछ ऑफलाइन ही था। जैसा अभी अगर चीज़ें अगर ऑनलाइन चल रही हैं तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं जो अपने आप को डिसिप्लिन रख पाते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है, क्लासेस खत्म होने के बाद हमारा जो फ्री टाइम है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन इस पर डिपेंड करता है। बहुत मतलब सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास खत्म होने के बाद हो सकता है वो सोशल मीडिया पे चले जाएं, मूवी देखना शुरू कर दें, या फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है। मैं आई एम सॉरी मैं तुम्हें टोक रहा हूं इस बात पर कि एक मतलब आप ऑनलाइन जब पढ़ रहे हो ना तो आपको अपने ऊपर डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आप किसी भी पोर्टल पर पढ़ रहे हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी क्लास खत्म होने के बाद आपके पास जो मोबाइल है, जो टैब है, जो कंप्यूटर है, वो इंस्टा चलाने के लिए नहीं है, वो स्नैपचैट के लिए नहीं है, वो फेसबुक के लिए नहीं है, मतलब ब्ला 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 सो कॉल्ड उन सब चीजों के लिए नहीं है। उसको सिर्फ रिवाइज करने के लिए यूज करो, साइड रखो, अपने नोट्स बनाओ और आगे बढ़ो, ऐसी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम टू सेम। ओह ग्रेट, सेम टू सेम, हमारी सोच कितनी मिलती है। खैर मैंने आईआईटी तो नहीं, मतलब मैं पढ़ा आईआईटी से, एनआईटी से पढ़ा हूं, बट वही बात है बट सर कि आपके स्टूडेंट्स आईआईटी जा रहे हो, आईआईटी जा रहे हैं, आपको आईआईटी से फीडबैक मिल यही रहा मेरे है। लिए मैटर करता है। मैं तो नहीं जा पाया आईआईटी, मैं तो एनआईटी पता रुक गया, मेरी पीएचडी भी वहीं से चल रही है, बट मैंने सोचा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे आईआईटी जाएं, और एक सामने बैठा हुआ है, मुझे बहुत खुशी हो रही है उससे बात करके। और बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा अंजनी एक चीज और, क्या जनरली कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो लोगों को आईआईटी जाने से रोक लेती हैं, तो कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं सब लोग? इसके बारे में सर मैं तीन चार बातें करना चाहूँगा। जो बिल्कुल पहली मिस्टेक है कि बच्चों को अपना मतलब प्रॉपर सिलेबस नहीं पता होता है कि मुझे पढ़ना क्या है आखिर, जो कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। इसको जितनी जल्दी हो सके आज उसको डाउनलोड करके अपने पास रखना चाहिए। दूसरी बिल्कुल बात इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। बच्चा करता क्या है, अगर उसको कोई चीज आने लगती है, कोई टॉपिक उसको अच्छा लगता है तो उसी में दिन भर पढ़ उसी को दिन भर पढ़ता रहता है, ठीक है। जिससे उसका कोई फायदा होता नहीं है, और जो अदर टॉपिक्स होते हैं वो छूट जाते हैं। मतलब आपका कहना तीसरी, पहली चीज ये, मैं आई एम सॉरी मैं टोक रहा हूं, पहली बात हाँ आपने हमसे कही कि आपको सिलेबस अपने एक्चुअल एनिमी के बारे में पता होना चाहिए कि आपका है कौन। दूसरी चीज आपने बिल्कुल हमसे कही कि टाइम मैनेजमेंट, उसमें आप मतलब जो चीज अभी आपको नहीं आ रही है आप उस पर एक्स्ट्रा बहुत टाइम दे रहे हो, बाकी सारी चीजों को छोड़ते जा रहे हो, तो टॉपिक छूटते चले जाएंगे, ये पकड़ में आ नहीं रहा, उसको पकड़ पा नहीं रहे, बाद में सब चीजें पाइल अप हो गई और कचरा हो गया। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि होता क्या है कि सपोज कीजिए आप बच्चा किसी टॉपिक में बहुत कंफर्टेबल हो गया, पर उसको और चीजों का डर है कि और कोई प्रेशर है, तो उसी चीज को बार बार पढ़ता रहता है और अपने आप को ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं मैं तो पढ़ रहा हूँ। तो इससे सिर्फ वो अपना टाइम वेस्ट करता है, उसको चीजों को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि उसको एक टेबल बना लेनी चाहिए कि उसको कौन सी चीजें अभी उसकी उसकी पकड़ में है, कंफर्टेबल है उसमें, और कौन सी चीजें हैं जिसको अभी भी उसको कवर करनी है। तो इससे क्या होगा कि वो चीजों को प्रॉपरली टाइम दे पाएगा और चीजें उसके लिए जो चीजें उसके लिए छूट रही हैं हो वो भी कवर पाएंगी। हो जाएंगी। ठीक है तीसरी बात। जो तीसरी बात है वो है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड रिविजन। कभी कभी होता क्या है कि स्टूडेंट थ्योरी तो पढ़ते रहते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, पर वो प्रॉब्लम से लगाते हैं क्योंकि उनको उससे डर लगता है कि प्रॉब्लम्स लगाएंगे नहीं बना तो प्रेशर होगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमें हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बेहतर होती है, वो डेवलप होती है। एक चीज और, हम मतलब सब जानना चाहते हैं, मतलब ये ना सबके अंदर एक बहुत बड़ा है, डमी स्कूल अच्छा होता है कि नॉर्मल स्कूल, और कब से मैं शुरू करूं, मतलब मैं 11 से स्टार्ट कर दूं, मैं 10 से, लोग पागल हो जाते हैं, 6th क्लास से अपने बच्चों को आईआईटी की तैयारी करवा रहे होते हैं, स्कूल स्कूल की लाइफ को साइड कर देते हैं, तो ये सही है क्या? मतलब 6th क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है यार, वो जब घर से निकलता होगा तो, और आप उसको आईआईटी के लिए मतलब पढ़ना पड़ेगा, तुझे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा चलता है क्या? नहीं सर, एक्चुअली जो आईआईटी का एग्जाम है वो बना ही 12th के बाद के लिए, 12th एग्जाम देने के बाद, बोर्ड के एग्जाम देने के बाद के लिए बना है। और हम जानते हैं कि अगर हमें मान लीजिए आपको थर्ड फ्लोर पे जाना है तो आपका रास्ता ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऐसे ही होके जाता है, आप डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे नहीं जा सकते। जब तक कि तो आप आपको कोई सुपरमैन या स्किल, कृष्ण ना हो, हाँ आप शक्तिमान नहीं है सर, सही बात है। तो शक्तिमान। आपको आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। आप कोशिश कीजिए कि आप जिस स्टैंडर्ड में हैं आप उसको बेहतर तरीके से कंप्लीट कीजिए, चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। ठीक है। उसको बहुत बड़ा हवा बनाने की बात नहीं है कि मतलब आईआईटी जा, मतलब अच्छा एक आईआईटी चीज का और, डिग्री मतलब बहुत। मैं मुझे मिनिमम कितना टाइम लगना चाहिए? मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैंने 1 साल बर्बाद कर दिया, 11th बर्बाद हो गई है मेरी, सिर्फ 12th की पढ़ाई से क्या मेरा निकल जाएगा?
मतलब मैं 12th में 1 साल अगर डेडिकेटेडली पढ़ लूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा? अगर आपने 1 साल आपके लिए सफिशियंट समय है, अगर आपने चीजों को प्रॉपरली हैंडल किया है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपने प्रॉपर टेस्ट दिए हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं कि आपका आईआईटी ना निकले। अच्छा एक चीज और ऐसी मन में आई तो पूछ लिया, आईआईटी इज ऑल अबाउट दोज, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल बुजुर्ग बुजुर्ग प्रोफेसर, या फिर कुछ मतलब मैड में भी सो कॉल्ड जिनकी हाँ, वजह से लोग क्लास अटेंड करने जाए, मतलब ऐसी मन में आया तो पूछ लिया मैंने। तुम्हारी सर इस मुस्कुराहट बेचारी बेटा, क्रश तो था तुम्हें। है एडमिट कर एक्चुअली रहा है, जो मैडम सुन रही हैं वो समझ लें कि यहाँ पर अंजनी ने बता दिया है कि वो आपसे बहुत प्यार करता था। मैम मना मत करो प्लीज। एक्चुअली सर ऐसा भी होता है कि जब अपन क्लास छोड़ रहे होते हैं या क्या बोलते हैं, तो बोर्ड पे या मैडम के आने के पहले बोर्ड पे उनका नाम लिखा होता है, उसके साथ कुछ और भी लिखा होता है, तो ये हरकतें होती रहती है सर। ऐसा मतलब कम इसकी मैडम भी होती है सर। मतलब मैम भी होती हैं और मैम तैयार होके भी आती हैं, मतलब बिल्कुल सर। हम समझ रहे हैं। चलिए अच्छा, एक कोई किसी ने कभी प्रपोज नहीं किया कॉलेज में, या फिर वो लड़कों वाली ब्रांच में थे कि मतलब सर अपन तो डूड हैं, अपन उस तरफ देखते ही नहीं, अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हैं। नहीं एक्चुअली सर मेरा प्लान कुछ और था। मैं अपने क्या बोलते हैं पढ़ाई के साथ साथ मैं किसी चीज की प्रिपरेशन भी कर रहा था, आईईएस की। तो मेरा एग्जाम था जनवरी में, तो मुझे कोई पसंद था, पसंद थी, तो ये हमारा वो प्लान मेडिकल था वाली सुन रही हैं तो समझ लें कि ये धोखेबाज लड़का है। नहीं सर आप मुझे पता है कि वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मुझे उनसे कुछ कहना था, तो मैंने उनसे मैंने एग्जाम के पहले मैंने कहा एक बार मिल लेता हूँ। मैं उनसे मिला, मैंने कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो उन्होंने बोला ठीक है जब आप कहो हम मिल जाएंगे आपको। हमने कहा ऐसा है मेरा एग्जाम जनवरी में है, जनवरी के बाद अपन मिलते हैं, बात करते हैं। जनवरी के बाद जब मैंने एग्जाम दिया तो उसका मिड सेमेस्टर एग्जाम आ गया, तो मैंने कहा थोड़ा और वेट कर लेते हैं। और उसके बाद मार्च आया तो अचानक से मोदी जी स्क्रीन पे आते हैं, बोलते हैं बेटा आज से संपूर्ण लॉकडाउन है, कृपया 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, घर से ना दिल निकलें। के अरमा और सर आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंजनी, हम सब जानते हैं अंजनी जहां से हैं वहां पर अभी अंजनी सिर्फ हमारे लिए आए हैं सामने स्क्रीन पर। अंजनी जहां से हैं वहां लाइट नहीं थी, इसके बाद भी अंजनी ने जैसे तैसे करके अरेंजमेंट हमारे लिए किया है। तो अंजनी लास्टली बस हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका कोई व्यूअर्स के लिए मैसेज। मैं सारे आईआईटी जेई और नीट के स्टूडेंट्स से इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बोर्ड क्या बोलते हैं बोर्ड के 12th के स्टूडेंट्स के लिए या आईआईटी जेई और नीट एक अच्छा एग्जाम है ना। इसके लिए आपको प्रॉपर कंसंट्रेशन और सिंसियर एफर्ट्स की जरूरत होती है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने खाली समय को कैसे यूज करते हो। फ्रेंड्स अगर लाइफ में कुछ अच्छा पाना है तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ सकती हैं, बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि सक्सेस के लिए आपको गजब का डेडिकेशन चाहिए होता है, गजब की प्लानिंग चाहिए होती है, गजब का मोटिवेशन चाहिए होता है। एक मूवी याद आ रही है मुझे, मूवी का सीन है थ्री इडियट्स, मुझे लगता है सबने देखी होगी, जिसमें वायरस बोलता है सभी कि लाइफ इज अ रेस, अगर आप तेज नहीं भागोगे कोई आपको कुचल के आगे निकल जाएगा। और आमिर खान पूरी मूवी में यही बताता रहता है कि आप बेटा आप कामयाब बनो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। पर इसमें एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि लाइफ इज नॉट अ रेस, बट रेसेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे आप आईआईटी जेईई और नीट बहुत एग्जाम दे रहे हो, जिसमें आपको आपके लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में सीट सिक्योर करनी है, तो आपको औरों से बेहतर परफॉर्म करना ही होगा। तो इसके लिए आपको एक बेहतर प्लानिंग की जरूरत होती है। इसके साथ मैं कहूंगा कि लेट्स क्रैक इट, जब तक फोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस सारे स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच अश्विनी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। इस समय रात के 1 बज रही है और रंजनी हमारे साथ हैं और बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया हमको, एक
हमको एक रास्ता बताकर जा रहे हैं, और इस रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो 101% दोस्तों आईआईटी बहुत दूर नहीं है, नीट भी हमारे लिए बहुत दूर नहीं है। रास्ते पे चलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चलेंगे तो 101% जीतेंगे, एक ना एक दिन तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अरे रुको रुको यारो, एक अति आवश्यक सूचना तो लेते जाओ। क्या है ना, सबको लगता है कि वो सब पढ़ा देगा, बट सब कुछ पढ़ाने में और सब कुछ समझ में आने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये आर्ट सबके पास होता नहीं है। कम के चक्कर में भीड़ में मत फंसो, जहां तुम समझ भी नहीं पाओगे, जहां तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे, जहां इंडिविजुअल अटेंशन भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए दिमाग लगाओ, दिल की सुनो और बाबा गैंग ऐप पर आ जाओ बाबा जी के साथ पढ़ने के लिए, जहां पर हैं छोटे बैचेस, स्मॉल बैचेस, स्पेशल अटेंशन विथ न्यू स्ट्रेटेजी एंड अपडेटेड सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेटेड सिलेबस। और तुम्हें पता है कि जब बाबा जी बोलते हैं तो सीधे चीजें यहां जाती हैं, क्योंकि कनेक्शन यहां से बनता है। तो डिसीजन आपका है अब, क्योंकि फ्यूचर आप